और हम आपको बता दें, सेलिब्रिटीज ही नहीं, बहुत दूर दूर से आम लोग आए हैं श्रीदेवी के दर्शन करने के लिए। उनका करिश्मा, उनका जादू ऐसे था। राजस्थान से महिलाएं पहुंची हैं श्रीदेवी के आखिरी दर्शन के लिए। श्रीदेवी के अंतिम दर्शन करने के लिए दूर दराज से भी लोग आए हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो राजस्थान से आए हैं। काफी महिलाएं राजस्थान से आई हैं जो श्रीदेवी के दर्शन करने के लिए आए हैं। उन्हीं से बात करते हैं खास। आप बताइए, आपका नाम क्या है? माया, माया हिरानिया। तो आप लोग खास श्रीदेवी जी के दर्शन करने के लिए आए? करने के लिए आए। सुबह 5 बजे हम लोगों के पास में फोन आया, श्री देवी जी नहीं रहे, तो हम लोग बहुत रोए और चाय पानी भी नहीं पिया और बहुत ज्यादा श्री जी के हमको अफसोस हुआ। कब आप लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं? हम 50 जने हैं, कम से कम पूरे घर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ यादें आप लोग अगर पूछो? श्री देवी जी की, श्री देवी जी के जो गाने हैं वो हम बहुत देखते हैं, पिक्चरें बहुत देखी श्री देवी की। एक भी पिक्चर ऐसा नहीं है जो हमने श्री देवी का देखा नहीं है, सब देखा है। और बहुत अच्छी थी श्री देवी और उनका डांस भी बहुत अच्छा था। और जैसे हर मूवी में आती थी वो अलग रिएक्शन लेके आती थी, अच्छी थी, हमें खूबसूरत भी थी, अच्छी लगती थी। अब हमारे बीच वो नहीं रही तो हमें बड़ा अफसोस। कौन-कौन सी फिल्में पसंद हैं आप लोगों को? चांदनी, खुदा गवाह, निगाहें, खुदा गवाह सभी पसंद है सर। खुदा गवाह, चांदनी, चांदनी, चाल बात, जो गुरु पिक्चर है उसमें जो गाना है जय हो ना, जय हो ना। तो कुछ गाकर आप लोग सुना सकते हैं श्रीदेवी जी का कोई गाना? जय हो ना, जय हो ना, हमसे दूर कभी जय हो ना, हमसे दूर कभी जय हो ना। ओ जननी पिया लेके जिया, इतना भी तड़पई हो ना। जो गाना आया मेरे हाथों में नाना चूड़िया, वो भी मैं गाना गाना चाहती हूँ। मेरे हाथों में नाना चूड़िया है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरिया है, मिलना होगा अभी किनार की दूरिया है, मेरे हाथों में नाना चूड़िया। चलिए, ये बताइए कि आप लोग ने श्रीदेवी जी के दर्शन किए, आखिरी दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा और दुख भी बहुत हुआ श्रीदेवी का, बहुत ही अफसोस हुआ हमें। अच्छा, आप बताइए, आप भी मथुरा से आई? मैं मथुरा से आई हूँ, राजस्थान में कैला देवी का जागरण कर रही थी 24 तारीख को। मुझे 6 बजे मालूम पड़ा, मुझे विश्वास नहीं आया। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ श्रीदेवी की, कोई भी पिक्चर आती थी मैं पूरी पिक्चर देखती थी, अपना काम छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के। मुझे बहुत दुख है, मेरी 5 बेटियां हैं, मुझे मालूम उनकी बेटियों के दिल पे क्या बीत रहा होगा। एक माँ जाती है तो मैं अपनी बेटियों को एक पल जुदा नहीं करती हूँ। मेरी नंदे भी तेरी रहती हैं, मैं मथुरा से हूँ, मैंने कैला देवी का जागरण करा 24 तारीख को। मुझे बहुत तकलीफ है श्री देवी की, खुदा गवाह, मुझे बहुत पसंद है चांदी, मुझे बहुत पसंद है। जी, जी, जी। एक ऐसे भी फैन है जो यवतमाल महाराष्ट्र से आए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, अंतिम दर्शन आपने किया? सर, हो गया मेरा अंतिम दर्शन। अच्छा, क्या यादें, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, लास्ट टाइम मैंने उनकी इंग्लिश मूवी देखी थी। अच्छा, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? हमने एक चांद को हमने खो दिया, हमने जो बहुत ही खूबसूरत थी वो, हमने एक चांद को हमने खो दिया, हमने बहुत ही खूबसूरत थी वो, और ऐसे एक्टर हम तो आज तक कहीं मिलेगी भी नहीं और देखने को नहीं मिलेगी। आप कहाँ से हैं? हम यहाँ से, गुजरात से हैं। अच्छा, तो ये थे तमाम श्रीदेवी के फैंस जो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए मुंबई में लोखंडवाला इलाके में सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब के बाहर मौजूद है। कैमरामैन आतिश कामले के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। राजस्थान से 50 महिलाएं आई जइयो ना हमें छोड़ करके, लेकिन श्रीदेवी जा चुकी हैं और मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, ये गाना जो हर जगह बजता हुआ सुनाई देता है, उन महिलाओं ने भी गाया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।